गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल रीड द टॉपिक साइन कॉन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ चैप्टर लाइट। This topic, sign convention, we will use this topic to know that where the mirror terms will be taken as positive and the mirror terms will be taken as negative. Mirror terms are, we can say it, notation by which we represent the some important terms. These important terms are, first we should note it, object distance, object distance, it is denoted by u, small u. It is denoted by small u. Small u. Image distance. Image distance is denoted by V. Focal length is denoted by small f. Radius of curvature is denoted by r, small r or capital R, both. Radius of curvature is denoted by r. Height of object, it is denoted by HO. Height of object is denoted by HO. Height of object is denoted by HO. And height of image is denoted by HE or HI, both. HE, यहाँ पर HE लिखो. HE और HI. These are six special notation for mirror terms, where object distance is denoted by u, image distance is denoted by v, focal length denoted by small f,
radius of curvature is denoted by capital R and height of object is denoted by HO. Height of image is denoted by HE or HI. ठीक है, नाउ वी विल यूज द साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर. साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर. साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर. साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर में हम लोग यहां पर पहले कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करें. छह रे डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन में. देयर आर सिक्स रे डायग्राम. देयर आर सिक्स रे डायग्राम फॉर साइन कॉन्वेंशन. सिक्स रे डायग्राम. कोई एक रे डायग्राम हम लोग ले करके उसके बाद हम लोग इसको ज्यादा क्लियर करेंगे. मान लो रे डायग्राम नंबर 2, 3 कोई भी ले सकते. सपोज फर्स्ट रे इज टेकन एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्शन के बाद ये जा रहा है फोकस से होकर के जा रहा है. और दूसरा हम लोग सी से भी ले सकते हैं जो कि दूसरा रे सी से होकर के लिए वापस सी पर ही आ गया. ठीक है, इसका एक रे डायग्राम नंबर 2 हम बना रहे हैं. रे डायग्राम नंबर 2 ठीक है ना, सबको विजिबल होना चाहिए. अब जो है ये जो इमेज यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है एडेस बीडेस में यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का. तो अब यहाँ पर चेक करना है कि साइन कन्वेंशन में कोई टर्म्स पॉजिटिव कहाँ पर लिया जाएगा और नेगेटिव कहाँ पर. इसके लिए हम लोग को दो बात यहाँ पर लर्न करके रखना है. फर्स्ट, मेजरमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट पोल. मेजरमेंट जो होगा डिस्टेंस का मेजरमेंट जो स्टार्ट करेंगे वो पोल से ही स्टार्ट करें, दूसरे पॉइंट से स्टार्ट नहीं करें. दूसरा, डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पैरेलल. डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव. एंड डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज निगेटिव. यही दो बात को जान करके रख. जो डिस्टेंस हम लोग इनकमिंग रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे पॉजिटिव लिया जाएगा,
जो डिस्टेंस इनकमिंग रे के अपोजिट में मेजर किया जाएगा उसको निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। तो यहां पर एक रे डायग्राम हम लोग लिए, इसका ऑब्जेक्ट ये है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे, पोल से, पोल से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के तरफ में बढ़ेंगे। अब देखो रे का डायरेक्शन इनकमिंग रे, ये रे को फॉलो करता है, ये रे इस डायरेक्शन में आ रहा है और मेजरमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, स्टार्ट करना है हमेशा पोल से, ठीक है। तो पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ इधर आ रहे हैं, रे हमारे अपोजिट में जा रहा है, तो रे के अपोजिट में जो मेजरमेंट किया जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा। तो यू ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पर क्या लिया जाएगा, निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज निगेटिव। तो तुम देखो हर केस में ऑब्जेक्ट इधर है, हर केस में इनकमिंग रे इधर आ रहा है और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर, ठीक है। ओके तो यहां से जो हम लोग यू लेंगे, यू कॉनकेव मिरर में हर केस में यू इधर आ रहा, तो हर केस में यू निगेटिव लिया जाएगा कॉनकेव मिरर में, यू क्या हो गया निगेटिव, कॉनकेव मिरर क्या हो गया, यू तुमको निगेटिव लेना है। तुमने देख लिया कि यू कैसे यहाँ पर मेजर करते हैं, पी से रे के अपोजिट बढ़ते हैं, हमें यही देखना है। अगर समझ जाएगा तो हर केस में इसे करना आसान है। मेजरमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पोल, पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करना, ठीक है। और इनकमिंग रे को फॉलो करना है, अगर हम लोग पी से रे के अपोजिट में जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा, और रे के ही डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो क्या होगा पॉजिटिव। अब भी को देखो, यहाँ पर इमेज बनाए ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच, अब हमें इमेज डिस्टेंस मेजर करना है भी, तो हम लोग पोल से आगे बढ़ेंगे, मेजरमेंट करेंगे चाहे जिस भी डिवाइस से नापे, फीता से, मीटर स्केल से, पी से हम लोग इमेज के तरफ इधर बढ़ रहे हैं मेजरमेंट तक, रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि रे के अपोजिट में मेजर कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे, रे के डायरेक्शन का अपोजिट में मेजर किया जा रहा है। भी यहाँ पर माइनस भी लिखे हैं निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस हुआ। अब तुम्हारे पास जो है हर एक केस के लिए यहाँ पर मिला करके देखना पड़ेगा, कई केसेस के लिए तुमको मिला करके यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो रे है भी है, एक केस में हमने लिया, छह केस में रे डायग्राम बनता है, ये एक केस में, बाकी केसेस में कॉनकेव मिरर में, बाकी केसेस में पांच केस में इमेज इधर बनता है। तुम रे डायग्राम पर गौर करो, फाइव केस में इमेज इधर बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, एक केस में बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो तुम देखो पांच केस में इमेज आगे बन रहा है, यानी कि रे के डायरेक्शन का अपोजिट बन रहा है, और एक केस में लास्ट रे डायग्राम नंबर सिक्स वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, वो तो रे के डायरेक्शन में बन रहा है, ये रे इधर जा रहा है और इमेज यहां पर बनता है छठा नंबर रे डायग्राम।
हो सके तो बगल में रे डायग्राम निकाल करके तुम देखो हम जो बताए, 6 नंबर रे डायग्राम। तो यहाँ पर 6 नंबर में इमेज यहाँ बनता है, इधर जा रहा है, बाकी 5 केस में इधर आ रहा है। तो 5 केस में निगेटिव और 1 केस में पॉजिटिव, 5 केस में निगेटिव, 5 केसेस निगेटिव होगा, 5 केसेस में निगेटिव होगा और 1 केस में पॉजिटिव होगा। इन 1 केस, 1 केस में प्लस, 5 केस में माइनस। जिसमें रियल और इन्वर्टेड बन रहा है वो आगे बन रहा है, रे के अपोजिट में बन रहा है वो निगेटिव है भी। यू सब में आगे है, रे के अपोजिट में है, यू निगेटिव ऑलवेज कॉनकेव मिरर में। तो यू भी तुम्हारा क्लियर हुआ, यू भी एफ। अब फोकल लेंथ पर आओ। फोकल लेंथ जो है यहाँ पर कैसे लिया जाएगा, तुम देखो, तुम जानते हो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो रे आता है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा? वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये पी और एफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ, पी से एफ के तरफ बढ़ेंगे मेजरमेंट में, और रे का डायरेक्शन ये है और हम लोग पी से एफ के तरफ बढ़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसीलिए फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। माइनस वीडी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि उसको रे जो आ रहा है उसके अपोजिट में मेजरमेंट किया जा रहा है। मेजरमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम फोकल लेंथ के तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से सी के बीच का डिस्टेंस, पी से हम लोग सी के तरफ में बढ़ रहे हैं, रे हमारा ये डायरेक्शन में रे जा रहा है, डिस्टेंस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर भी निगेटिव लिया जाएगा। आर भी निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मेजर किया जाएगा, एचओ, एचओ पॉजिटिव ऑलवेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज एच ई अगर इन्वर्टेड होगा तो माइनस, इरेक्ट होगा तो प्लस, ये बात तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अगर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो निगेटिव, इरेक्ट है तो प्लस। तो कॉनकेव में आओ, कितना केस में इन्वर्टेड बनता है, रे डायग्राम तुम्हारे पास है, कितना केस में वो इन्वर्टेड बनता है, कितना केस में इन्वर्टेड बनता है आयुष, सर 5 केस में 5 केस में अगर इन्वर्टेड बनता है तो 5 केस में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 केस में माइनस हो जाएगा। और किस केस में वो इरेक्ट बनता है, एक केस में, 1 केस में वो इरेक्ट बनता है, और 1 केस में इरेक्ट बनता है तो उसमें प्लस हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज
एच ई या एच आई दोनों लिख सकते हो। तो पॉजिटिव फाइव केस में पॉजिटिव, फाइव केस में निगेटिव, वन केस में पॉजिटिव। लिखे निगेटिव इन फाइव केस, फाइव केसेस। एच ई माइनस हो जाएगा, पांच केस में इन्वर्टेड बनेगा, निगेटिव हो जाएगा, एक केस में इरेक्ट बनेगा तो पॉजिटिव होगा, वन केस। पॉजिटिव इन वन केस, वन केस में क्या हो जाएगा, ये एच ई जो है प्लस होगा जब वो इरेक्ट। वन केस में पॉजिटिव और पांच केस में निगेटिव। तो इस प्रकार से साइन कॉन्वेंशन में हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए जब निकालते हैं तो यू ऑलवेज निगेटिव, भी पांच केस में आगे इमेज बन रहा है यानी रियल और इन्वर्टेड, जब रियल इन्वर्टेड बन रहा है माइनस में जा रहा है भी, और जब इरेक्ट बनता है तो इधर भी होता है तब प्लस होता है। पांच केस में माइनस, एक केस में प्लस, कॉनकेव में रखना पड़ता है दिमाग में। फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, अगर इरेक्ट है तो प्लस, इन्वर्टेड है तो माइनस। पांच केस में इन्वर्टेड है, पांच केस में माइनस होगा, एक केस में इरेक्ट बनता है, एक केस में प्लस। तो ये है साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ जाएगा कि कहां पर कौन सा क्वांटिटी को प्लस लेना है, कहां पर किसे माइनस लेना है। नाउ रे डायग्राम साइन कॉन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर में आते, फॉर कॉन्वेक्स मिरर में इसमें भी कोई एक रे डायग्राम हम लोग सैंपल के लिए लेते हैं, वन रे डायग्राम हम लोग सैंपल के लिए लेते हैं, आप उसी के आधार पर निकाल लेंगे। दो ही रे डायग्राम होता है कॉन्वेक्स मिरर में, रे डायग्राम सिर्फ दो होता है। ये दूसरा नंबर रे डायग्राम बनाए, रे डायग्राम तुम लोग कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम नंबर टू, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में बनता है डिफिनिश बनता है, पहला एनिफिनिटी का था, दो ही होता है। अब इसके लिए चेक करो कितना आसान है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, पोल इधर है ना, और हम लोग पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करते, हम लोग पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अब तुम यहां पर देखो,
से हम लोग ऑब्जेक्ट के तरफ में बढ़ रहे हैं, रे इधर आ रहा है। हम लोग पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ इधर जा रहे हैं और रे इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? नेगेटिव यू नेगेटिव, दो केस में, दोनों केस में ऑब्जेक्ट इधर, अब पोल से हम लोग इधर जा रहे हैं तो यू नेगेटिव। कॉन्वेक्स में दो केस यू, दोनों केस नेगेटिव। कॉन्वेक्स कॉनकेव में छह केस में यू, छह का छह केस में नेगेटिव, तो यानी कि यू नेगेटिव। यू इज टेकन एज नेगेटिव ऑलवेज इन एनी मिरर। अब से ध्यान में रखो, एनी मिरर में यू को निगेटिव लिया जाएगा। यू हो जाएगा निगेटिव। भी देखो, या देखो, इमेज इधर बन रहा है, यस यस। पी से इमेज को नापने जा रहे हैं, पी से इमेज की तरफ बढ़ रहे हैं, रे भी उसी डायरेक्शन में एरो बता रहा है। इस एरो का डायरेक्शन देखो, ये रे उधर जा रहा है और हम लोग इमेज डिस्टेंस नापने के लिए पी से ऑब्जेक्ट के तरफ में भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में इस केस में और दूसरे केस में भी, एक केस और जो है उसमें भी इसी डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में भी इज टेकन एज पॉजिटिव टू केसेस, दोनों केसेस में। बस समझा हुआ रहेगा, रे डायग्राम रहेगा तो हमें क्लियरली से रटना नहीं पड़ेगा। दो केस है, दोनों केस में भी प्लस हो जाएगा, पी से आप इमेज की तरफ बढ़ रहे हैं, रे का भी डायरेक्शन वही है, दोनों केस में भी हो जाएगा प्लस। उसके बाद यू भी फोकल लेंथ पर आओ, फोकल लेंथ इसका यहां बनता हुआ लग रहा है, वर्चुअल है, पी से एफ की तरफ बढ़ रहे हो, रे भी इसी डायरेक्शन में आता हुआ लग रहा है, रे इसी डायरेक्शन में मिरर के उस पार नहीं जाएगा लेकिन इस पार में वही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव हो गया, यू यू माइनस वी प्लस एफ प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से सी के तरफ बढ़ रहे हो, रे भी इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ये भी पॉजिटिव हो गया, भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, बहुत सिंपल है कॉन्वेक्स मिरर। रे का डायरेक्शन को फॉलो करना है और मेजरमेंट हमेशा पी से शुरू करना है। यू वी एफ आर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताए हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन इट इज इरेक्ट एंड टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस में रे इमेज बनता है, पहला तो इंफिनिटी पर रहता है तो फोकस पर बनता है पॉइंट साइज, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट, और दूसरा केस में ये है एफ और पी के बीच में बनता है, ये भी है इरेक्ट, दोनों ही केस में इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है यानी प्लस बनता है, यानी एच ई भी प्लस। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का तो याद रखना बहुत सिंपल है, एच ई प्लस, एच ओ प्लस, आर प्लस, एफ प्लस, वी प्लस, यू माइनस, सब में कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में। याद रखने से बेटर है कि ये फॉर्मूला को ध्यान में रखे, जरा भी कंफ्यूजन हो इसको फॉलो करें, क्योंकि इतना इतना चीज तो याद ठीक से रहता नहीं है।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर का साइन कॉन्वेंशन है, इसके पहले कॉनकेव मिरर का साइन कॉन्वेंशन देखिए, और रे डायग्राम के हिसाब से हम लोग साइन कॉन्वेंशन को फॉलो करते हैं। साइन कॉन्वेंशन में मेजरमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पोल, मेजरमेंट जो है वो पोल से शुरू होगा, और वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इफ द डिस्टेंस इज मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देन डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। इफ द डिस्टेंस इज मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देन द डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला दैट हाउ कैन वी यूज द साइन कॉन्वेंशन। रे डायग्राम, कोई एक रे डायग्राम ले लेंगे, चाहे कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, और मेजरमेंट स्टार्ट किया जाएगा पोल से। मेजरमेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पोल। अगर हम चाहें तो ए से पी तक का डिस्टेंस को नापें या पी से ए तक, बात बराबर है, लेकिन कंडीशन इज अप्लाइड हियर, यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तभी जाकर के इंसिडेंट रे को फॉलो किया जाएगा। अब पी से मेजरमेंट करते हैं स्टार्ट, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो चाहे फोकल लेंथ हो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वो पी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और रे का डायरेक्शन को देखते हैं। अगर रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और रे का अपोजिट में अगर डायरेक्शन को मेजर किया जा रहा है तो इट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो ध्यान में रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो माइनस, इरेक्ट है तो प्लस, बाकी तो सब रे डायग्राम पर है। रे डायग्राम का तो प्रैक्टिस तुम्हें करना ही है, चाहे वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो चाहे साइन कॉन्वेंशन हो चाहे डायरेक्ट रे डायग्राम तुमको दिया जाएगा। इसलिए रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। आगे चल करके इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, वहां भी रे डायग्राम काम आएगा, और उसके लिए साइन कॉन्वेंशन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी में पॉजिटिव किसी में निगेटिव अगर इसमें मिस्टेक होगा तो सारा पूरा न्यूमेरिकल्स जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए साइन कॉन्वेंशन मस्ट है। यू हैव टू लर्न साइन कॉन्वेंशन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस रे डायग्राम, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत? सत्यम, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। आयुषी, यू हैव एनी क्वेरी? और आदर्श भी आया है, जानवी, यू हैव एनी क्वेश्चन? इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन स्टार्ट करने के पहले वो टॉपिक है, और आज जो है वो 2 और 3 मिनट्स बचा, इसमें कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इसके साइन कॉन्वेंशन के बाद मैग्निफिकेशन, देन मिरर फॉर्मूला, एंड उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक दो बच्चा से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सत्यम, तुम बताओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो रे डायग्राम पढ़ चुके हैं, उसके पहले मिरर टर्म्स पढ़ चुके हैं, व्हाट डू मीन बाय फोकस? यू नो डेफिनेशन ऑफ फोकस? फोकस, यू नो
डिफाइन फोकस आयुषी यस सर। सर वो सत्यम वेट करो आयुषी डिफाइन सर वेट इट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रेज इंसिडेंट पैरेलली ऑन अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन यस और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड फोकस गुड और कॉन्वेक्स मिरर एंड सत्यम योर डेफिनेशन व्हाट इज योर डेफिनेशन वेन टू और मोर तुम्हारा आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा लगता है नेट। हाँ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है तो रे डायग्राम जितना है उसको कंप्लीट करना है और साइन कॉन्वेंशन इसमें जो है कहां पर कौन सा टर्म पॉजिटिव लिया जाएगा कौन सा टर्म निगेटिव लिया जाएगा ये तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है हम यहाँ पर साइन कॉन्वेंशन कॉनकेव मिरर में तुमने